Present from my son. Beautiful. Very artistic. That imbecile has written another damned royal letter. What do they call it, James? Carita, sir. Ah, Carita. Read it, James. Mahbub-e Mukarram o Mozam. Rubbish, James, rubbish. Cut it short. Get to the point. Yes, sir. Wali Ahd Sultanate Moghliya, Shahzada Mirza Dara Bakht, ki be waqt maut ne Wali Ahd ki jagah khali kar di hai. Meri nigaah mein Shahzada Mirza Jawan Bakht Bahadur se zyada koi aur shahzada is jagah ke liye munasib nahi hai. That's enough. More than enough. लेकिन लॉर्ड साहब को जिल्ले सुभानी की बात न मानने की कोई वजह तो लिखनी चाहिए थी मेटकाफ साहब कि शहजादा जवां बख्त वलीयत क्यों नहीं हो सकते. दिस गॉड फॉरसेकन हीट, आई डोंट नो तुम नेटिव लोग कितनी गर्मी में जिंदा कैसे रहते हो. हम अपने मौसमों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं मेटकाफ साहब. हिंदुस्तान के मौसम बहुत सख्त होते हैं. बरसते हैं तो टूट के बरसते हैं और नहीं बरसते तो या आग लगा देते हैं या ठंडा कर देते हैं. यही हाल यहाँ के लोगों का है. मानने पर आए तो भगवान मानते हैं और न मानने पर आए तो नहीं मानते. इसलिए लॉर्ड साहब को कोई ना कोई वजह जरूर लिखनी चाहिए थी. लुक हियर हकीम साहब, आपका जिले सुबानी उन्हें वजह बताने पर मजबूर नहीं कर सकता. ये मैंने कब कहा? मैं तो सियासत के तकाजों की बात कर रहा था. मैं हकीम हूं मेटकाफ साहब, नब्ज अच्छी तरह पहचानता हूं. आजकल किले की नब्ज तेज चल रही है. किले की दीवारें रात भर जागती रहती हैं, परछाइयां आती और जाती रहती हैं. इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर लॉर्ड साहब ने कोई वजह नहीं लिखी है तो आप कोई ना कोई वजह तराश लीजिए, गढ़ लीजिए. वजह है ताजपोशी के दरबार वाली तकरीर. वजह है मेरा हुक्म टालकर निजामुद्दीन जाना. और सबसे बड़ी वजह यह है कि अब कंपनी बहादुर मुगलों के सो कॉल्ड रॉयल ट्रेडिशंस या शाही रवायात के पाबंद नहीं रहना चाहते. अली डमूर, माय फुट, टेल दैट ओल्ड फूल के कंपनी बहादुर उसको जो कुछ देता है उसका शुक्रिया अदा करके कबूल फरमाए. मुगलों के बादशाह का दिन अब पूरे होने को आए और इसलिए उसकी एप्लीकेशन दरख्वास्त रद्द कर दी गई. जवां बख्त वली अहद नहीं होगा. इस किस्म की वजह बताने से काम नहीं चलेगा मेटकाफ साहब. क्यों? लॉर्ड साहब को यह लिखना चाहिए था कि अंग्रेज कौम मुनसिफ और आदिल है और बिना किसी वजह के वो शहजादा मिर्जा फखरुद्दीन उर्फ मिर्जा फखरू का हक नहीं मार सकती. रबिश, तुम उस 70 बरस के बूढ़े आदमी से कहो कि वो बादशाह का ख्वाब छोड़ दे और अपनी बची खुची जिंदगी मुशारी में शादी करके गुजार दे. मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि लॉर्ड साहब से दरख्वास्त की जाए. दरख्वास्त की जाए और किस वास्ते दरख्वास्त की जाए? लाल किला वालों की तकदीर में हम लिख दिया कि अब बहादुर शाह के बाद कोई जिलेस्वानी नहीं होगा और बहादुर शाह को यह समझाने की गर्ज से कि उसके खरीदा या रॉयल लेटर का कोई मतलब नहीं, हमने प्रिंस फखरू की वली अहदी का रेकमेंडेशन कर दिया है. यह आपने ठीक नहीं किया. वो कभी कबूल नहीं फरमाएंगे. Who cares? लेकिन तुम्हारे बादशाह के हक में यही बेटर कि वो कबूल फरमाए. लेकिन हकीम साहब, तुम इतना परेशान क्यों? Why are you so worried? कुछ फिक्र नहीं. मुझे इस अब्दुल कय्यूम मंडलाना अच्छा नहीं लग रहा है मेटकाफ साहब. व्हाट? अब्दुल? नो हकीम साहब, अब्दुल हमारा बहुत वफादार आदमी. इसका वफादार आज से पहले तो उसे कभी मंडलाते हुए नहीं देखा. देखिए मेटकाफ साहब, आजकल दबे पांव जो रोटी एक घर से दूसरे घर जा रही है वो रोटी नहीं बगावत का पैगाम है. अब्दुल तो अब्दुल है, आप मुझ पर भी भरोसा नहीं कीजिए. हमारे यहां हम लोगों की जुबान में कहावत है कि इन दीवारों के भी कान होते हैं. हकीम साहब, हम हमारी दीवारों के कान काटते गए.
अब्दुल कुछ बोला? जी नहीं जनाब, एक चुप हजार चुप। I am not interested in the mathematics of his chips, Mr. Salawatullah Khan. मेरे को उसके चुप से कोई मतलब नहीं। उसका चुप को बकवाना आपका काम। और अगर वो नहीं बोला, तो I am afraid दिल्ली को एक नया कोतवाल देना पड़ेगा। Take me to him. चलिए। हम ब्रिटिश लोग तुम्हारा नेटिव राजा और नवाबों की तरह जालिम नहीं। हमको पता लगा कि कोतवाल तुमको बहुत मारा, बहुत बुरा लगा हमको, बहुत बुरा। हमने उसको बहुत डांटा कि हमारे अब्दुल के साथ, हमारे वफादार अब्दुल के साथ ऐसा बिहेव किया, बैड। इसलिए हम खुद आया तुम्हारे पास ये पूछने कि बोलो वो रोटी तुमको किसने दिया, हाँ? और उस रोटी का मतलब क्या? क्या मतलब? Well, Abdul old boy, तुम्हारा चुप रहने का अभी कुछ फायदा नहीं। अगर तुम हमको सब बता देगा, तो हम तुमको 1,000 अशरफी और 10 बीघा जमीन इनाम में देगा, हुँ? और तुम मेरोली का नवाब कहलाएगा। तुम्हारा कुर्सी लॉर्ड साहब के दरबार में लगेगा। स्पीक ऑन यू बास्टर्ड स्पीक। देखो हम तुमको प्यार से बोलता, इतने प्यार से बोलता, बता दो अच्छा लड़का बनो। वही बन रहा हूं। ये जो कोतवाल साहब ने मेरे बदन का खून बहाया है ना मेटकाप साहब, तो इसके साथ आपका नमक भी बह गया और मैं पाक हो गया। हमारे यहाँ मुर्दों को नहलाते हैं, तो मैं अपने खून से नहा लिया। ये रोटी निशान है इसका कि हमारे खेतों में उगने वाली गंदुम ने फ्रेंकियों को मुल्क से बाहर निकाल फेंकने का फैसला कर लिया है। तुम वापी लोगों का जासूस? I don't believe it। मेटकाप साहब, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं अपने वतन का सिपाही हूँ। अच्छी बात, अच्छी बात, वतन का सिपाही होना बहुत अच्छी। बोलो यू बास्टर्ड बोलो। हम हिंदुस्तानियों को वतन पर जान देने का बड़ा शौक है मेटकाप साहब। अच्छा चिल्ला, तुम तो तानसेन की औलाद लगता है, बहुत सुर ताल में गाता है, है?